ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ऐसे 12 टोटके जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं और वो भी बिना पैसे खर्च किए। देखिए, व्यक्ति को उससे अच्छे बुरे कर्मों का फल उसके भाग्य के रूप में मिलता है। अच्छे कर्मों पर अच्छा और बुरे कर्मों पर बुरा मिलता है। फिर भी कुछ टोटके ऐसे होते हैं, कुछ तांत्रिक टोटके होते हैं और कुछ बहुत नॉर्मल टोटके होते हैं, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए, अगर आपको ससुराल में सुखी रहना है तो साबुत काले उड़द में हरी मेहंदी मिलाकर जिस दिशा में वर वधू का घर हो उस ओर फेंक दीजिए। दोनों के बीच परस्पर प्रेम बढ़ जाएगा और दोनों ही खुशी से रखेंगे, सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे। यदि कन्या 7 साबुत हल्दी की गांठें, पीतल का एक टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़ लेकर ससुराल की तरफ फेंक दे तो कन्या को ससुराल में सुखी सुख मिलता है। फिर शादी के बाद जब कन्या विदा हो रही हो तो एक लोटे में गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी, एक पीला सिक्का लेकर कन्या के सर के ऊपर से नीचे तक 7 बार उसको उतार देना चाहिए और उतार कर उसके आगे फेंक देना चाहिए। उसका जो वैवाहिक जीवन है वो हमेशा सुखी रहेगा। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, रोग ने आपको जकड़ रखा है, तो हम आपको बताते हैं, कोई असाध्य रोग हो जाए और दवाइयां काम करना बंद कर दे तो पीड़ित व्यक्ति के सिरहाने रात को एक तांबे का सिक्का रख दीजिए और सुबह उस सिक्के को किसी शमशान में फेंक दीजिए। दवाई का असर दिखना शुरू हो जाएगा और जो रोग है वो जल्दी दूर हो जाएगा। यदि कोई पुराना रोग ठीक नहीं हो रहा हो तो गोमती चक्र को लेकर एक चांदी की तार में पिरो दीजिए और पलंग के सिराने बांध दीजिए, रोग आपका जल्दी ही पीछा छोड़ देगा। यदि आप बार बार आपसे दुर्घटना हो रही हो, कहीं आप जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जा रहा हो, बाइक पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, साइकिल पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या के तुरंत बाद का पहला दिन जो होता है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को 400 ग्राम दूध में चावल धोकर बहती नदी अथवा झरने में प्रवाहित कर दीजिए। देखिए, बहती नदी में करना है, तालाब में या समुद्र में नहीं करना है। यह उपाय लगातार 7 मंगलवार कीजिए, दुर्घटना होना आपका बंद हो जाएगा। फिर सुबह कुल्ला किए बिना पानी, दूध अथवा चाय बिल्कुल नहीं पीना है। साथ ही उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों का दर्शन कीजिए, इसे स्वास्थ्य तो सही रहेगा ही, आपका भाग्य भी चमक उठेगा। यदि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो रहा है तथा बात बात पर गुस्सा हो रहा है तो उसके ऊपर से राई मिर्ची उतार कर जला दीजिए तथा पीड़ित व्यक्ति को उसे देखते रहने के लिए कहें और फिर उसका कमाल देखिए। फिर सूर्य राशि, जब सूर्य जो है सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करे तो नीम की नवीन कोपले, गुड़ व मसूर के साथ पीस कर खाने से व्यक्ति के जितने भी रोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे और निरोग हो जाएगा। और ये मतलब ये तो एक तरह की औषधि होगी जो हमने आपको बताया। फिर अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो भी हम आपको बता देते हैं। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए एक मिट्टी के सुंदर से बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए। इसके बाद बर्तन को गेहूं या चावल से भरकर घर के वायव्य कोण मतलब उत्तर पश्चिम जो होता है उधर रख दीजिए। ऐसा करने से घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। फिर घर में लक्ष्मी के अस्थाई वास के लिए एक लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध व घी मिला लीजिए। इसे पीपल के पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर पीपल की जड़ में डालें, इससे घर में लक्ष्मी का अस्थाई वास होता है। फिर यदि बेहद कोशिशों के बाद भी घर में पैसा नहीं टूटता है तो एक छोटा सा उपाय कीजिए। सोमवार या शनिवार को थोड़े से गेहूँ में 11 पत्ते तुलसी तथा 2 पत्ते केसर के डालकर पिसवा लीजिए। बाद में इस आटे को बाकी पूरे आटे मिला दीजिए, घर में बरकत रहेगी और लक्ष्मी दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगी। उसके बाद सोमवार को शिव मंदिर में जाकर दूध में शीत जल शिवलिंग पर चढ़ाइए तथा रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम नहीं है, ओम सोमेश्वराय नमः 108 बार जप करें। साथ ही पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्यवसाय उन्नति की प्रार्थना करें, तुरंत ही आपको असर दिखाई देगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।